नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉडकास्ट पर सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण के टॉपिकों में चल रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। नए नए टॉपिक हमारे पास आते हैं। आज हम टॉपिक चर्चा कर रहे हैं कारक के बारे में। भाग तीन है हिंदी व्याकरण का, 3 नवंबर 2020 का, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। और देखते हैं कारक के भाग नंबर तीन के अंदर। तो कारक के प्रकार या भेद संख्या 6 है। संबंध कारक होता है 6 नंबर। भेद इसका चिन्ह होता है का, की, के, रा, पी, रे। संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को जिससे उसके किसी वस्तु के साथ संबंध का ज्ञान होता है, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। दोस्तों, इससे संबंध का पता चलता है, इसलिए हम इसको संबंध कारक कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल लेते हैं, राम का भाई आ रहा है, यह तुम्हारा घर है, ये फल तुम्हारे हैं, मोहन की बहन आ रही है, यह पुस्तक मोहन की है। दोस्तों, 7 नंबर जो कारक का भेद है वो है अधिकरण कारक। तो इसका चिन्ह होता है मैं पर। तो जिन शब्दों में से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है वे अधिकरण कारक कहलाते हैं। जैसे माँ कुर्सी पर बैठी है, बिल्ली चटाई पर बैठी है, पुस्तकें अलमारी में रखी हैं, पेड़ पर बंदर बैठा है, कमरे में पंखा चल रहा है, राजेश पहाड़ पर चढ़ गया है, खुशी छत पर बैठी है। इसी प्रकार से लास्ट कारक का भेद है संबोधन कारक। तो चिन्ह होता है हे, रे, अरे, ओ। तो वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से बुलाने, पुकारने या सावधान करने का ज्ञान होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे सुभाष यहाँ आओ, बालकों कहाँ जा रहे हो, अरे रमेश यहाँ आओ, अरे राजेश तुम शीघ्र भाग जाओ, अरे सुरेश तुम मंदिर जाओ, हे श्री कृष्ण मेरी पुकार सुनो, हे राम मेरी पुकार सुनो। तो दोस्तों, ये था कारक का बहुत ही बढ़िया टॉपिक। आपको हमारे भाग फर्स्ट, भाग सेकंड और भाग थर्ड कैसे लगे? दोस्तों, अच्छे लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद।